वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी बिया नकवी एंड आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करने लगे हैं निर्वाना बोटैनिक्स के प्रोडक्ट के बारे में। निर्वाना बोटैनिक्स का सबसे ज़्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट ग्लो फेशियल टोनर इन पर्पल कलर 100 ml की ये बॉटल है। 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया गया है। फ्रेश एंड हैंडमेड है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो एलोवेरा लीव जूस, क्यूकम्बर फ्रूट एक्सट्रैक्ट एंड रोज फ्लावर एक्सट्रैक्ट, सिट्रिक एसिड वगैरह इसमें यूज़ किए गए हैं। ग्लो फेशियल टोनर के रिजल्ट की बात की जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है, हाइड्रेट करता है। और प्लस पॉइंट इसका ये है कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के साथ ये बना है, बिल्कुल अल्कोहल फ्री है, नेचुरल है। और मेरे एक्सपीरियंस की बात की जाए तो बहुत अच्छा मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। एक नेचुरल सी ग्लो, हाइड्रेट करता है आपके फेस को, लाइक रोज़ वाटर जैसे बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है आपके फेस को। एज अ मेकअप आर्टिस्ट तो मैं ब्राइड्स को भी यूज़ करती हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लाइट वेट है, अल्कोहल फ्री है और फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत लाइट सी, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका न्यू वर्जन उन्होंने लॉन्च किया है, पिंक कलर की वो बॉटल है और इतना मैं यूज़ कर सकती हूँ। मॉर्निंग एंड नाइट दोनों टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर ग्लोइंग टोनर या ऑर्गेनिक रोज़ वाटर, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्वाना बोटैनिक्स का स्किन ब्राइटनिंग सीरम। फार्मूला है इसका एडवांस ब्राइटनिंग एंड टोन करेक्टिंग। 100 ml की ये बॉटल है। 100% ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ इसको तैयार किया गया है। फ्रेश हैंडमेड है। इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो उन्होंने मेंशन नहीं किए कि किन इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार किया गया है। टेक्स्चर इसका थोड़ा थिक एंड वाइट कास्ट सी है इसकी। बहुत एक फ्रेश एंड ग्लो सा आपको प्रोवाइड करता है। 2 to 3 drops आप मॉर्निंग एंड नाइट में इसको यूज़ कर सकते हैं। निर्वाना बोटैनिक्स के स्किन ब्राइटनिंग सीरम की बात की जाए तो बहुत लाइट वेट है, थोड़ा सा थिक इसका टेक्सचर है बट लाइट वेट है। और फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत लाइट सी है। लेकिन मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस एक बैड रहा है कि इसमें प्रोडक्ट है नहीं। देखिए बिल्कुल प्रोडक्ट नहीं है, ये मुझे ऐसे ही रिसीव हुआ है। पता नहीं मेरे साथ ये हुआ है या किसी और के साथ भी, मिस्टेक भी हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट इसमें नहीं है। जो था मैंने इसको थोड़ी सी यूज़ की है और अच्छा है, काफ़ी शाइन देता है आपके फेस पे, नॉन ग्रीसी है, नॉन ऑयली है। और बिल्कुल भी ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैं प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं कर रही, ये खुद मैंने परचेज़ की है और निर्वाना बोटैनिक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास निर्वाना बोटैनिक्स का विप्ड रिच मॉइस्चराइजर क्रीम। और इसमें 2% हेलोरोनिक एसिड एंड 3% नाइसिनमाइड यूज़ किया गया है, जो बेस्ट इंग्रेडिएंट्स हैं। 50 grams का ये जार है, बट ये बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ होता है। इस चीज़ को देख के हम कह सकते हैं कि चलें ठीक है, क्वांटिटी सी कम है। अगेन 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको तैयार किया गया है। फ्रेश हैंडमेड है। और टेक्सचर की बात की जाए तो लाइट वेट है। ट्वाइस डे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट मैं बोलूँगी आप इसे जस्ट नाइट में यूज़ करें। ड्राई एंड ऑयली दोनों स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। रोज़ वाटर एंड ग्लोइंग फेशियल टोनर अप्लाई करने के बाद आप इसे अपनी स्किन पर अप्लाई करें, बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको मिलेगा। थोड़ा थिक एंड रिच मॉइस्चराइज़र है, आपकी स्किन पे फील होता है। इसकी एक बहुत लाइट सी लेयर होती है जो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है। निर्वाना बोटैनिक्स की तमाम प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल्स हैं, फ्रेश हैंडमेड हैं, बट कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि ये डर्मेटोलॉजिकली अटेस्टेड है या ये कहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। बट अगर बात की जाए इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो कोई इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। इनके प्रोडक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। लाइक मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करती, मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्रीमी टेक्सचर्स वाले मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करती क्योंकि उससे मुझे एक्ने होती है, डिस्कलरेशन का प्रॉब्लम होता है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो मैं जेल बेस्ड लाइक पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। HO2 कभी यूज़ कर लिया तो क्रीमी मॉइस्चराइज़र मैंने आज तक यूज़ नहीं किए, लेकिन निर्वाना बोटैनिक्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। रोज़ वाटर अप्लाई करें आप अपनी स्किन पे और बहुत लाइट सी अमाउंट अगर आप अपने फेस पे ले रहे हैं। बहुत रिच मॉइस्चराइज़र है, हैवी है, थिक है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत स्किन को सॉफ्ट करता है। और अगर आप ग्लूटाथायोन क्रीम यूज़ कर रहे हैं, कोई भी इस तरह की वाइटनिंग क्रीम्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर वाइटनिंग क्रीम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं, बिल्कुल एक्ने नहीं होती, फ्रेग्रेंस भी इसकी बहुत कम है। लेकिन रोज़ वाटर अप्लाई कर लें या इनका फेशियल टोनर अप्लाई कर लें उसके बाद आप इसको यूज़ करें तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देती है। आई होप कि मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नेक्स्ट इंशाल्लाह निर्वाणा बोटैनिक्स का मैंने आपको रिव्यू देना है, हैंड क्रीम का, सनब्लॉक का एंड इनकी जेल बेस्ड जो मॉइस्चराइजर है उसका। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। फी अमानिल्लाह।